ये कहानी है जनता गराज की, जिसे दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है। यार, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 2 साल अकाउंटेंट का काम किया, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी दुनिया वो नहीं है, इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई किया है। मैं लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ। तूने क्या सोच रखा है? खानदान की जिम्मेदारियाँ उठाने, अपने भाई बहनों को बड़ा करने में मेरे बड़े भाई ने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी। गाँव में मैकेनिक का काम करके जैसे तैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया और दोनों बहनों की शादी कराई। यार, मैं उनके लिए हैदराबाद में एक छोटा सा गराज खोलना चाहता हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं अपना काम संभाला, इसलिए यहाँ से कहीं और जाके जिंदगी जीना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। भैया, आप तो हमेशा कहते थे ना कि अच्छी नीयत से मेहनत करने वाला जहाँ चाहे वहाँ जिंदगी जी सकता है। जैसे तैसे मैंने अपने बड़े भाई को हैदराबाद आने के लिए मना लिया। वहाँ हमने एक छोटा सा गराज खोला। नमस्ते सर। सलाम साहब, मेरा नाम बोस है, ये अली है, हमें काम चाहिए। अपनी मेहनत और नीयत से उन्होंने काफी तरक्की की। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। कुछ सालों बाद उन्होंने एक बड़ा गराज खोल लिया और उन्होंने उसका नाम रखा जनता गराज। सारा सामान आ गया ना? आ गया भाई। शंकर, नमस्ते। सरपाल सिंह, नमस्ते। इंजन स्पेशलिस्ट है। यहाँ वाइट। डीसीपी चंद्रशेखर, कैसा है? सब बढ़िया? हाँ भैया। नमस्ते। नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये आपको यहाँ सेटल होते देखना चाहता था। पिछले 10 दिनों से इस पर काम कर रहा हूँ, सर्विसिंग भी कर दी मैंने, फिर भी खटारा चलने का नाम ही नहीं ले रही। इसको बेच के नई बाइक क्यों नहीं ले लेते चाचा? करीम चाचा, आओ आओ, बाइक ने फिर से पदयात्रा करवा दी। बेटी को कॉलेज छोड़ने जा रहा था, बंद पड़ गई गाड़ी। ये नहीं, बड़ा स्क्रू डाल। अरे बोस, स्कूटर बंद पड़ गई, जरा देख लेंगे। ए बोस, देखना स्कूटर में क्या प्रॉब्लम है। देखना, तू देखना प्रॉब्लम, जा। क्या यार, लड़की घास डाल रही है पर ये पैर चढ़ता नहीं। अरे शंकर, आजकल करीम चाचा नहीं आते हैं, बाइक अब खराब नहीं होती? आपको पता नहीं उनकी बेटी एक रोड एक्सीडेंट में मर गई, अभी पिछले हफ्ते की तो बात है। कॉलेज से लौटते वक्त एक लॉरी उसे उड़ा के चली गई। समझ में नहीं आता ये ऊपर वाला अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर बैठता है। दोष ऊपर वाले का नहीं, उन दरिंदों का। उसका खून कर दिया, सड़क पर फेंक दिया, कत्ल को एक्सीडेंट बना दिया। 4 लड़कों ने मिलकर उनकी इकलौती बेटी का रेप और मर्डर कर दिया। शक तो मुझे भी है, पर वो सारे बड़े लोग हैं, पीछे एक सबूत तक नहीं छोड़ा जिससे हम उन तक पहुंच पाए। लड़की के परिवार में इतनी दहशत है कि उनकी बहन बेटियां डर के मारे घर से बाहर कदम नहीं रख रही। मुझे भी इस बात का बहुत बुरा लग रहा है, पर मुझे यकीन है कि वो कानून के हाथ जरूर लगेंगे। और वो दिन कब आएगा? हरी, इन्हें समझाओ ना, ये कोई गाड़ी नहीं है कि इंजन खोला और रिपेयर कर दिया। गराज वाले मरम्मत करते हैं तो जनता गराज वालों ने भी वही करने का सोचा। कौन है तू? तुझे इस बात का अंदाजा भी है कमीने, कि लड़की को अगर कॉलेज से घर आने में एक पल की भी देर हो जाए तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है पता है? डर से रूह कांप जाती है माँ बाप की। और अगर वही लड़की कॉलेज से लौट के घर ही ना आए तो सोच। वो 4 लड़के मारे गए। हाँ, मैंने भी सुना है, एक्सीडेंट में मारे गए ना। इसमें आपका हाथ था?
बस एक बार कह दीजिए कि ये आपने नहीं किया। वो चारों उसी तरीके से मरे जिस तरह से बेचारी वो लड़की मरी। वो भी एक्सीडेंट था और ये भी। ऊपर वाला शायद यही चाहता था। आप जानते भी हैं आपने क्या किया। आप यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं। आप भले और शरीफ लोग हैं। शरीफों को ही तो लोग तबाह कर रखते हैं, इसलिए हिम्मत दिखाना जरूरी है। हिम्मत का मतलब खून करना नहीं होता। जिस करीम चाचा की बेटी चली गई उन्होंने अपना दर्द मुझे बताया। जरा सोचो उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। उसके बाद जिन्हें छोटी मोटी कोई भी तकलीफ होती वो सीधा जनता का राज जाते और जनता का राज वाले भी लोगों की समस्या को अपने तरीके से हल करते। पैसों की वसूली के लिए खून बहाओगे तुम सबका। इसको भाईगिरी बोलते हैं। तेरे को दिखाऊं क्या। नंदू मेरी मुंह बोली बहन है। मेरे पिता ने इसे गोद लिया था, लेकिन ये सगी बहन से भी बढ़के है। इसे आपके भाई से प्यार हो गया, लेकिन मैंने आपके परिवार के बारे में ये जाना कि हमारा और आपका रहन सहन बिल्कुल अलग है। मैं अपनी बहन पर अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूं कि मेरी बहन मेरी नजरों के सामने रहे। आपका भाई अगर मुंबई आकर वहीं नौकरी कर ले और वहीं सेटल हो जाए तो अच्छा होगा। मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता। देखिए मैं जैसा भी हूं वैसा ही आपकी बहन को पसंद हूं, पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसे साथ ले जा सकते हैं। मैंने इसी घर में जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। आपने जो बात कही उसकी मैं कद्र करता हूं। आपकी बेटी को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं वादा करता हूं। आप तो खुश हो। लाचार लोगों के लिए इनका दर्जा भगवान बराबर हो गया था, पर कुछ लोग इनके दुश्मन बन गए थे। अरे पकड़ो पकड़ो। नमस्ते मुकेश राणा। नमस्ते। संदीप राणा का बड़ा भाई जिसे आपने मार डाला। बॉस इसको ले जाओ। चलो बेटा। बड़ा प्यारा बच्चा है। आइए बैठिए। उसने बेरहमी से एक लड़की का कत्ल किया और आपने उसे उतनी ही बेरहमी से मार डाला, जैसे को तैसा। आपने जो किया उसको लेकर मेरे मन में आपके लिए कोई गुस्सा नहीं है। मैं बिजनेस माइंडेड आदमी हूं, इन सब के बारे में सोचने का मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है, मैं बस एक मामूली सा मैकेनिक हूं। गाड़ियों की रिपेयरिंग में ही टाइम निकल जाता है। लेकिन आपके आदमी आजकल मेरे धंधे में दखल दे रहे हैं, बेहतर होगा कि आप उन्हें रोक दें। हमसे जब कोई शिकायत करता है तो ही हम उनकी शिकायतों पर अमल करते हुए दखल देते हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं है। बेहतर होगा कि आप लोगों की जिंदगी में दखल देना बंद कर दें ताकि यहाँ आने की नौबत ही ना आए। बिजनेस है, न चाहते हुए भी लोगों की जिंदगियों में दखल देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि हमारा मिलना यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार साहब। नमस्ते, क्या हुआ। मेरा नाम सीताराम है। मैं स्कूल में टीचर हूँ। 6 ही महीने पहले की बात है, मैंने एक आदमी से कर्जा लिया था। हर महीने थोड़ा थोड़ा देकर कर्ज चुका दिया, लेकिन आज उसने मुझे और मेरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। हम बेघर हो गए। एक ही पल में मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ गया। मैं हाथ जोड़ता हूँ, सब मदद कीजिए। भैया इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आप जाके ये मामला निपटाइए। मंदिर तो मैं और नंदू चले जाएंगे। आइए। भैया भाभी भी हमारे साथ चलते तो अच्छा होता ना। बिल्कुल आनंद, मजा आ रहा है। आनंद इधर देखो बेटा, इधर देखो, डैडी को किसी दो। जिस बात का डर था आखिर वो ही हुआ। मुझे लग रहा था ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने चेतावनी भी दी थी। जरा एक बार इन्हें देखिए। हरी के साले को तो इस बात का पहले से ही डर था, पर ये सब इतनी जल्दी होगा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी तो जैसे दुनिया ही छिन गई है।
अब ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है। आपको उस बच्चे के लिए अपने रास्ते बदलने होंगे। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं। सुरेश, तुम्हारी मुंह बोली बहन नहीं रही तो मैंने भी अपना इकलौता सगा भाई खो दिया। खुद को सजा देने के लिए मैं तुमको हरि और नंदू का बेटा सौंप रहा हूं। अब ये जिंदगी भर तुम्हारे पास ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि हम जो काम करते आए हैं वो आज के बाद बंद कर देंगे। जनता का राज खामोश नहीं होगा। मैं अपने बेटे के सर की कसम खा के कहता हूं, इस घर की परछाई आज के बाद कभी भी इस बच्चे पर नहीं पड़ेगी। अगर ये पड़ा होकर पूछे कि इसके माँ बाप कौन है, परिवार कौन है, तो कह देना कि सब मर चुके हैं। 1980 मुंबई। आनंद को देखने का बहुत जी कर रहा है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। वो हमसे दूर होके खुशी होगा। के साथ जाके खेलो। दिया, मेरे पौधों को हाथ मत लगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो पीछे हट। तोड़ने गलत बात है। मुझे वो फूल चाहिए। नेचर की कदर करनी चाहिए दिया। ये लो, पूरा खत्म करने के बाद ही खेलने जाना। मम्मी को देना। अंकल, मेरे मम्मी पापा की मौत कैसे हुई थी? एक्सीडेंट में बेटा। वो दिखते कैसे थे? मैंने उनकी फोटो तक नहीं देखी। उनकी कोई फोटो नहीं। तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी जैसी हैं और चेहरा पापा जैसा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी वॉक तो कब की होगी? मुझे लगा संडे की वजह से तुम देर तक सोओगी। आज मेरा और एक प्रोग्राम है। अच्छा? पास की सोसाइटी में आनंद का ट्री प्लांटेशन ड्राइव है। आप गए नहीं? मुझे तो लगा था कि आप लोग चले गए होंगे। तुम भी मेरे साथ चलोगी? वहाँ जाके भी तुम उससे फिजूल की बहस ही करोगी। चलना जरूरी है। मैं अगर नहीं गई तो वो पूरा दिन मेरा दिमाग चाट चाट के खाली कर देगा। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। चलो अब जल्दी करो मॉम। गुड मॉर्निंग। आप सब सोच रहे होंगे कि संडे को सुबह सुबह मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुला लिया है। मैं आपको एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ। आप सब ये कॉलोनी बनने के बाद यहाँ रहने आए, लेकिन यहाँ पहले क्या हुआ करता था कोई नहीं जानता। यहाँ बहुत ही विशाल पेड़ हुआ करते थे, उन्हें काट कर ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। जो हुआ उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन नए पेड़ जरूर लगा सकते हैं। Let's paint it green. And last but not the least, हम किस्मत वाले हैं जो पृथ्वी पर जन्मे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि ये हमारी जागीर है। We are just tenants on this planet. So let's start. Okay, thank you. You take care of this. मैं वर्सोवा में एक और ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, वहाँ जाता हूँ। ठीक है बेटा। Bye. Bye. आज बड़ी जल्दी नाश्ता कर रही हो, क्या बात है? आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है, पहले दिन लेट नहीं पहुंच सकती। एलबी केमिकल्स में जॉब लगी है ना? बस जहां नौकरी मिली वहां बिना सोचे समझे कर लो। तुम जानती हो उनकी फैक्ट्री से कितना पोल्यूशन फैलता है? दे आर किलिंग द एनवायरनमेंट। प्लीज नॉट अगेन। मुझे जॉब करने दो, अपनी मर्जी से जीने दो।
मैं चलती हूँ मॉम, बाय। आनंद, उसने तो जॉब ज्वाइन कर ली है, अब तुम भी अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचो। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग अ सीरियस करियर। मेरा ऑलरेडी एक सीरियस करियर है अंकल, एनवायरनमेंट की हिफाजत करना। वो नहीं बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सीरियस जॉब करियर, अपने लिए ना सही बेटा, अपनी होने वाली वाइफ और अपने बच्चों के लिए। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एटलीस्ट नाउ। मैं ये आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ, मेरे या आपके लिए नहीं। आई मीन वी आर ऑल फ्रॉम द सेम थिंग। ये हमारे सबके लिए है, आप नहीं समझेंगे। सी यू अंकल। आई विल ऑल्सो मेक अ मूव। इसके इस तरह बात करने पर आपको क्या महसूस होता है पिताजी? अरे वो हमेशा ऐसे ही तो बात करता है, लगता है जैसे वो उन्हीं की तरह सोचता है। किन की तरह? जनता गराज वालों की तरह। शहर का 500 एकड़ का इलाका स्लम्स ने घेर रखा है, दिखने में गंदे लगते हैं और उनकी वजह से शहर का नाम खराब होता है। स्लम्स के रीडेवलपमेंट के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। अगर आप 500 एकड़ की वो जगह पूरी तरह से खाली करवा दें तो मैं उसमें से 250 एकड़ की जगह पर उनके लिए एक टाउनशिप बनवाऊंगा, बहुत शानदार, घर, रोड्स, पार्क्स और बहुत कुछ। बाकी के 250 एकड़ को मैं कमर्शियल स्पेस की तरह डेवलप करूंगा। दैट्स माय शेयर। इस प्रोजेक्ट में होने वाला सारा खर्चा मैं अकेले उठाने को तैयार हूं। इससे सरकार का हर तरफ नाम होगा, एक बदसूरत बस्ती को पॉश और आलीशान बनाने का श्रेय मिलेगा। ऑफ कोर्स इसमें मेरा भी फायदा होगा। सुनने में तो ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पर आप ऑपोजिशन पार्टीज को तो जानते हैं, राय का पहाड़ बनाकर सरकार की नियत पर सवाल खड़ा करना उनकी आदत है। मैं जल्द ही एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाऊंगा और सब लोगों की राय लूंगा। ये एक नेक काम है, इसलिए मैं देखूंगा कि इसमें कोई टांग ना अड़ाए। मम्मी, पापा से जाके बात करो ना। तू क्या छोटा बच्चा है राघव, जो मैं तेरी सिफारिश करूं, तू खुद ही क्यों नहीं बात कर लेता अपने पापा से? वेदा कंस्ट्रक्शंस ग्रुप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करके अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। पापा, मैं उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। बात करोड़ों की है, हमारी हैसियत नहीं। पापा, वो यहाँ मदद मांगने कितनी बार आए हैं, आप उनसे कहेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। गलत, किसी की मदद करके अगर बदले में कुछ पाने की उम्मीद की जाए तो मदद नहीं धंधा होता है। हमारी इतनी पहुंच है, बिजनेसमैन, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, हर कोई मदद मांगने आता है। हमने आज तक कभी किसी का फायदा उठाया है क्या? ओके, आपने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप अपने लिए किसी से कुछ मांगे। कम से कम मेरे लिए तो मांग लीजिए, मुझसे कहिए कि कम से कम मेरी मदद कर दें। क्या कहूंगा मैं उनसे कि मेरा डिस्टिंक्शन में पास हुआ बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है और ये चाहता है कि मैं आपके सामने भीख मांगू। जब वो वजह पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? यही कि मेरा होनहार बेटा आप करोड़ों में खेलने का सपना देख रहा है ताकि अयाशिया कर सके। मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। आरटीओ ऑफिसर आया भाई। माफ कीजिएगा, हमने आपको यहां मिलने के लिए बुलाया। अगर मैं आपसे मिलने आता तो लोग कहते कि एक गुंडा मिलने आया है, आपकी इज्जत इतनी सी रह जाती। दरअसल बात है उन लोगों के मुआवजे की जो 6 महीने पहले फायर एक्सीडेंट में जल के मरे थे। हर परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की बात हुई थी,
पर आपने उन्हें 75,000 में निपटाने की कोशिश की। जब लोगों ने आवाज उठाई तो आपने उन्हें धमकाया, उन्हें पिटवाया और यहां तक कि उन्हें उन पैसों को भूल जाने की धमकी भी दी। वो 15 परिवार फरियाद लेकर मेरे पास आए थे। अपनों को खोने का दुख तो नहीं पता होगा। आपने जो भी किया वो गलत किया। मेरी गुजारिश है उन्हें उनके हक के पैसे दे दें। धमकाने का नया स्टाइल है। मेरे पास भी तुम जैसे सड़क छाप गुंडों की बहुत बड़ी लिस्ट है। मुझे डराने की कोशिश मत करो। तू गली मोहल्ले का गुंडा है तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का गुंडा हूँ। बच्चों को अंदर ले जाओ। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। उन 15 परिवारों के लोग इस वक्त तेरे ऑफिस में हैं। यहां से सीधा ऑफिस जा। 1 घंटे के अंदर उनके हाथों में चेक होने चाहिए। वरना याद रहे, जिस पॉश एरिया में तू अपना नया घर बनाने का सपना देख रहा है, रातों रात वहां तेरी कब्र खोद दूंगा। अब तू ही सोच ले कि 30 लाख रुपया देगा या अपने जान की कुर्बानी। अब जा और जरा ठंडे दिमाग से सोच ले। सिर्फ एक घंटा है तेरे पास। चलो। मीटिंग का टाइम तो हो चुका है। मीटिंग शुरू करनी चाहिए, मगर एक सीट अभी भी खाली है। नमस्ते। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। ऐन वक्त पर एक गाड़ी मरम्मत के लिए आ गई थी। मुकेश राणा के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए हम सब यहाँ जुटे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब खुलकर इस पर अपनी राय दें। मुकेश जी से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये प्रोजेक्ट आम लोगों और इनके बिजनेस दोनों के लिए फायदेमंद है। और यहाँ बहस की तो कोई बात ही नहीं है। मेरी मानो तो हम सबको एक मत होकर इस प्रोजेक्ट को हाँ कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये प्रोजेक्ट हमारे लोगों की भलाई के लिए है। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। अगर उन झुग्गी में रहने वालों को पक्के घर मिल जाएं, तो हमारी पार्टी को भी कोई एतराज नहीं होगा। मुकेश जी ने जो प्रोजेक्ट हमारे सामने रखा है, उस बारे में आपका क्या ख्याल है सत्यम जी? जो प्रोजेक्ट गरीबों की भलाई के लिए हो, वो तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। बस मुझे एक छोटी सी बात खटक रही है। अगर हम स्लम्स में से गरीबों को हटाकर जमीन आपको दे दें, जो कि आपकी सबसे पहली डिमांड है, तो क्या आप पहले उनके लिए घर बनाएंगे या कमाई के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स? प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। इसके लिए बेहतर होगा पहले मैं अपनी लैंड डेवलप कर लूं, जिससे मैं कैपिटल रेज कर पाऊंगा। ये हमें मंजूर नहीं। अपने सपनों के घर की आस में मान लीजिए उन बस्ती वालों ने वो जगह छोड़ भी थी, और कल को अगर आपके उस कॉम्प्लेक्स के बनते बनते कोई कानूनी समस्या आ गई। आपका यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, भगवान न करे कोई अनहोनी हो गई, कोई कुदरती मुसीबत खड़ी हो गई, तो वो बेचारे गरीब ना यहां के रहेंगे और ना वहां के। कोर्ट में केस लड़ते लड़ते उनकी जिंदगी दांव पर लग जाएगी, पर घर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप सबसे पहले उन गरीबों को उनकी छत दे दें। इम्पॉसिबल। तो मेरे लिए भी यह इम्पॉसिबल है। मुझसे मेरी राय जानने के लिए आप सबका शुक्रिया। इस बात को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप एक मैकेनिक की बात सुन के प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं। अगर हमने जबरदस्ती ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो लोग न्याय और मदद के लिए सत्यम जी के पास ही जाएंगे। इससे पहले कि कुछ बखेड़ा खड़ा हो, प्रोजेक्ट बंद करने में ही भलाई है। हैदराबाद के हाई प्रोफाइल स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर सीएम ने कल की मीटिंग में इस पर रोक लगाते हुए इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। आपकी झुग्गियों में जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, उस पर सत्यम ठाकुर ने रोक लगा दी। आपका क्या कहना है? जनता गैराज के सत्यम जी हमेशा सही फैसला लेते हैं। उनका फैसला हमारा फैसला, हम सब सत्यम जी के साथ हैं। जनता गैराज सही है, हम सब उनके साथ हैं। जनता गैराज का फैसला ही हमारा फैसला है।
5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट एक मैकेनिक की वजह से कैंसिल हो गया। इट्स टू मच डैड। सरकार भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने से डर रही है और इसकी वजह है जनता गराज। आप इस स्टेट के सबसे बड़े, सबसे सक्सेसफुल और सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हैं, पर आप उनसे डरते हैं? मैं तो नहीं डरता। सही कहा बेटा, जब से होश संभाला है मैं डर के साए में पला हूं, बड़ा हूं और जिया हूं। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मेरे जीते जी तो नहीं। भाई पिछले 2 दिनों से गाड़ी बहुत झटके मार रही है, एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा और ये लाइट भी जलती बुझती रहती है। कुछ दिन बाद आ जाना। कब तक हो जाएगा? मुझे मालिक को बताना पड़ेगा, इसीलिए 14 तारीख को आके ले जाना। जी सर, इन्होंने 14 तारीख को आने को कहा है, तो यही तारीख मैं अपने मालिक को बता देता हूँ, तो 14 को मिलते हैं, ठीक है? सुनंदा, माय कलीग, याद आया? न्यूरोलॉजिस्ट। ओ यस यस यस, कैसी हैं आप? फाइन थैंक यू, ही इज माय हस्बैंड राजेश। हाय, हाय, नाइस टू मीट यू। मेरे बेटे वरुण से तो मिले हैं ना? वरुण? अरे हाँ, वही जो पार्टी में मिला था। हाँ। वो आजकल क्या कर रहा है? 5 साल तक उसने आईटी कंपनी में काम किया, अब उसने अपनी ही कंपनी खोल ली है। बहुत अच्छा कर रहा है। हाल ही में उसने आपकी बेटी को किसी फंक्शन में देखा था, वो उसे बहुत पसंद करता है। यहाँ तक कि वो उससे शादी करना चाहता है और हम तो इस रिश्ते से बहुत खुश है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे आकर बात करें। थैंक्स फॉर आस्किंग सुनंदा, पर दरअसल हम ये चाहते हैं कि हम अपनी दिया की शादी आनंद से ही करें। हमें भी यही लगा था, लेकिन हमें पता चला कि उनकी बिल्कुल जमती नहीं है और वो हमेशा छोटी छोटी बात पर बच्चों जैसे झगड़ते रहते हैं। आपने सही कहा, पर मैं और नीना काफी दिनों से उन दोनों से इस बारे में बात करने की सोच रहे हैं, पर हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। God knows what's going to happen. तुझे मुंबई कैसा लगा? ये मुंबई नहीं बल्कि मेरी आजादी के पर है, फ्रीडम। तू यहाँ कौन सा कोर्स करने वाली है? मैं यहाँ कोई कोर्स वोर्स करने नहीं आई हूँ। हैदराबाद में ना सिर्फ फुल रिस्ट्रिक्शंस थे, ये मत करो, वो मत करो, फ्रेंड्स के साथ बाहर मत जाओ, शाम हुई नहीं कि कर्फ्यू लग जाता था। और मैं वहाँ क्या करती थी? बुद्धों की तरह घर में बैठी रहती थी। एंड यू नो द सैडेस्ट पार्ट, बॉयज मुझसे बात करने से भी डरा करते थे। यू कॉल इट अ लाइफ? तो आगे का प्लान क्या है? मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, और हाँ, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। फुल ऑन अपनी लाइफ मैं जीना चाहती हूँ। जैसे ही सब लोग सो जाएंगे ना, हम पटाखे जलाकर उनकी नींद हराम कर देंगे। हाँ, ये लो। ओके? इतने बम पटाखे फोड़ेंगे ना कि मजा आ जाएगा। ये लो। वो हमें कब से घूरे जा रहा है, दिवाली का बम्पर ऑफर समझकर लाइन मारने आ गया है। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? बको, प्रपोज करना चाहते हो? तुम्हें प्रपोज? कोई चांस नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कहा? ऐसा मैंने क्या किया? अच्छे घर की लगती है। दिवाली का सही मतलब नहीं पता? इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, नॉट अ फेस्टिवल ऑफ पोल्यूशन एंड साउंड। वो तो बच्चे हैं, तुम बड़ी हो, तुम्हें उन्हें गाइड करना चाहिए। जरा सा कॉमन सेंस यूज करो। टीवी में, न्यूज़पेपर्स में पोल्यूशन फ्री दिवाली के बारे में कैंपेन्स किए जा रहे हैं। हट। हे? बस हा? बहुत हो गया पोल्यूशन, जाओ। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। ओके ओके, बहुत मस्करी हो गई, चलो काम करो। हाय, गुड नाइट।
अरे ये सैंपल कौन है? जब से देख रही हूँ घूर ही जा रहा है। थरकी है, चेयरमैन का बेटा है, लड़कियों को एकदम हवस की नजर से देखता है। अगर उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो ना तो उससे कह देना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम शादीशुदा और बच्चे भी हैं। हेलो, मेरा नाम है प्यारे लाल। आज इस बागान में नया फूल दिख रहा है? आज ही मैंने ज्वाइन किया है। आए हाए, ज्यादा काम तो नहीं है ना? मुझे कुछ मेल्स ड्राफ्ट करने हैं। अरे तो इधर घुमा दो, सैलरी का टाइम पास के लिए देते हैं। ए बाजू वाले, चल बन जा काम वाले। लव के बारे में क्या ख्याल है? अभी कॉफी पीने का ख्याल है। अरे रुको ना, लव के बारे में अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। लव इज नाइस। लव करती हो किसी से? मुंबई में मुझे लव कैसे हो सकता है? क्यों, मुंबई में लड़के नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं, मुझे जब लव होगा तब मैं ऑफिस नहीं, शिवाजी पार्क, बीच या फिर किसी रोमांटिक जगह पर अपने लवर के साथ वक्त बिताऊंगी। फंस गए। अक्सा बीच जाकर सनसेट देखना मेरी रोमांटिक फैंटेसी है। तो चलो चलते हैं। पॉल्यूशन क्या? पॉल्यूशन में सनसेट दिखता ही नहीं। वहाँ पास में ही एक लेदर फैक्ट्री है, अगर वहाँ जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा ना। प्यार में पढ़कर नहीं, कैंसर से मर जाएंगे। एक्सा बीच वाली हमारी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिना नोटिस दिए रातों रात ये काम किया है। किसने इन्फॉर्मेशन लीक की? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैं तो कहता हूँ सबकी सैलरी रोक दो। हमें पता चला है कि हमारे ऑफिस से ही किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है कि हमारी फैक्ट्री से कितना पॉल्यूशन होता है। बताओ कौन है वो गद्दार? मुझे ऐसी फैक्ट्री से नफरत है जो कबाब में हड्डी बन के लव में पॉल्यूशन भर देती है। मुझे 6 अच्छी वाली बियर दो। अच्छी वाली बियर? कौन सी वाली मैडम? इतने सालों से ये धंधा कर रहे हो, पता नहीं अच्छी वाली बियर कौन सी है। 6 बियर निकाल। ज्यादा ठंडी नहीं मैडम? तभी तो सुबह को ही ले रही हूँ, शाम तक फ्रिज में रखूंगी, चिल्ड पियूंगी। ये आ गया दिमाग को चाट के भेजा फ्राई करने। हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग, आज कौन सी स्पीच देने आए हो? लगता है आज प्रकृति बड़ी शांत है। या, प्रकृति तो शांत है, इंसान ही अशांति फैलाते हैं। ये क्या लेके जा रही हो? बियर। नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए आज शाम को मैं और मेरी फ्रेंड्स बियर पियेंगे, डोर लॉक करके टीवी देखेंगे और चखना चखते हुए बियर एंजॉय करेंगे। नहीं नहीं, मुझे प्लास्टिक बैग के अंदर क्या है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पंगा इस बैग का है। 20 माइक्रोन्स प्लास्टिक बैग? ये 20 माइक्रोन्स का बैग तुम्हें कहाँ से मिला? किसने दिया ये? कहाँ से लिया बोलो? अरे कहाँ से? ये क्या है यार, तुम इस थैली के पीछे क्यों पड़ गए हो? इस प्लास्टिक बैग पर बैन लग चुका है, जिसने भी दिया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ चलो। कम 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 कम, रहने दो ना, क्यों मेरी इज्जत का मलूदा कर रहे हो? ये बैग्स पर बैन लग गया ना, क्यों यूज कर रहे हो बताओ? सब अंदर और भी बैग्स हैं तो लेके आ जाओ। क्या हुआ सर? इस लड़की ने इस दुकान से बियर खरीदी है लेकिन इसने बैन की हुई प्लास्टिक बैग में पैक की है, कैसे चलेगा बोलो? कहाँ से ली? दादर मार्केट से। निकालो जितने पैकेट अंदर है, सब बाहर निकालो। तुम जानते हो इस प्लास्टिक बैग से एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचता है? बोला ना, निकालो। मॉर्निंग में एलबी केमिकल्स में मैंने जॉब ज्वाइन की, इवनिंग में उनकी एक फैक्ट्री बंद हो गई। Yes! मुझे तो लगा था कि उस फैक्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन जमा करने में बहुत महीने लग जाएंगे, पर ऑफिस में एक मजनू मिल गया। हाय। ओ हाय। इस जगह को अच्छी तरह चेक किया ना? ये कप ओके है ना? परफेक्ट। ये पेपर कप है। इट कैन बी रिसाइकल्ड। प्लीज स्टॉप इट यार।
ये फ्रेंड है? इस ज्ञान बाबा के अलावा तुम्हें और कोई नहीं मिला? क्यों अच्छी खासी लाइफ को वेस्ट किए जा रहे हो यार? कभी पटाखों के पीछे पड़ते हो, कभी प्लास्टिक की थैलियों की। तुम्हारी लाइफ में फन जैसी कोई चीज ही नहीं है ना? यू नो व्हाट, कल हम कुछ तूफानी करने का सोच रहे हैं। तुम चाहो तो चल सकती हो। वर्ली सी फेस, 6 o'clock इन द मॉर्निंग। सी यू। आओगी तो अपने साथ 2 दिन का सामान पैक करके ले आना। हेलो। हाय। हाय। पेपर को नहीं, नेचर को देखकर चाय पीजिए। बाय द वे, रिसर्च के लिए मैं यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम से मुंबई के बाहर जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहते हो? हैदराबाद। एक्चुअली वो एक फास्ट ग्रोइंग सिटी है। एनवायरनमेंट पर मैं जो स्टडी कर रहा हूँ उसके लिए वो एक अच्छी केस स्टडी है, इसीलिए सोच रहा हूँ। अभी नहीं आनंद, पिताजी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। आए दिन हमें चेकअप के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तुम यहाँ होगे तो अच्छा होगा। अच्छा, वो तो ठीक ही लग रहा है। नो सुरेश, मुझे उनकी सेहत की फिक्र है आनंद। ओके बाय। आपने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता कि हैदराबाद का साया भी इस पर पड़े। भाई आज ये कार डिलीवर करनी है, आप इसका ट्रायल कर लोगे तो मैं उन्हें फोन कर दूंगा। ठीक है। भाई साहब मेरी स्कूटर अचानक से बंद पड़ गई है। बॉस। हाँ भाई। जरा स्कूटर चेक करो। हाँ। यहाँ क्या देख रहे? क्या हुआ मैडम? इसे स्टार्ट कर रही हूँ तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। आप हटिए, मैं देखता हूँ। कुमार का रोड एक्सीडेंट हो गया। पुलिस का कहना है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब सुबह सुबह वो अपनी गैराज की एक गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करने निकले। खतरे से बाहर है पर पूरी रिकवरी में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं वही कह रहा हूं जो डॉक्टर ने मुझे बताया। हमारे भैया की अब उम्र हो गई है, उनके लिए उतना स्ट्रेस अब ठीक नहीं है। जिस तरह का काम वो करते हैं अब उन्हें वो बंद करना चाहिए। ये मैं एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते नहीं कह रहा हूं, एक शुभचिंतक होने के नाते। फैसला आप पर है। 25 साल बाद जाके अब प्लान पूरा होने वाला था, वो बच कैसे गया? किस्मत बहुत अच्छी है पर हमारी खराब है। देखो हमारी पोल नहीं खुलनी चाहिए, कोई पकड़ा तो नहीं गया ना? हादसे के 1 घंटे के अंदर ही अपुन ने सारे लड़कों को यूपी भेज दिया। आनंद, तुझसे कोई मिलना है? हेलो,
हमें तुमसे कुछ बात करनी है बैंड्रा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, उसमें काफी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व्ड हैं। इट्स बेटर टू विथड्रॉ द केस। बताओ बदले में क्या चाहिए? पार्क, पार्क मुझे चाहिए। देखो मेरी बात मानो, अपना इरादा बदल लो। जब बात नेचर को बचाने की हो तो उसके आगे मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एमएलए तो ठहरा जाहिल आदमी, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। अब ये नहीं पता कि पढ़े लिखे हैं या भाड़े का सूट पहन के आए। बात सिर्फ जॉगर्स पार्क की नहीं है, बात उन 213 पेड़ों की है जो इस पूरे शहर को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। सो डू नॉट डिस्टर्ब डीएनडी। ट्रस्ट मी, दिस एमएलए इज अ वेरी डेंजरस मैन। मर जाएगा वो, आई मीन बिना ऑक्सीजन के। जाकर एमएलए को समझाओ, प्रकृति और पेड़ हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। उसका भेजा थोड़ा स्लो चलता है, तुम पूरा दम लगा लो, लेकिन वो पार्क तुम्हारा कभी नहीं होगा। समंदर और आपके बीच का रिश्ता एक माँ और बच्चे की तरह है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। मानता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा मछलियां पकड़ना भी हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण की भलाई इसी में है कि आप जरूरत के हिसाब से मछलियां पकड़ें। अगली बार समंदर में जाने से पहले एक बार आपस में चर्चा कर लीजिए कि उस दिन आपको कितनी मछलियां पकड़नी है। मैं एमएलए देशपांडे का भाई हूँ। कल मछलियां पकड़ने आपके साथ मैं भी चलूंगा, तभी बात कर लेंगे। क्या हुआ, गले में खराश है? पार्क को लेके तेरे ऊपर मेरे भाई का दिमाग बहुत सटका हुआ है। तेरे भाई की सटके तेरी सटके या किसी और की, मुझे कोई परवाह नहीं। सोच अगर कुदरत की सटकी तो क्या होगा। तुझे आइडिया नहीं है भाई को गुस्सा आया तो तेरे साथ क्या होगा। तेरे टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक देंगे। अब कैसे समझाऊं तुझे, मेरे भाई आकाश, वायु, धरती, ये समंदर, इनके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक सकता। भाई का गुस्सा हम तेरे को दिखाएंगे, तू बता कुदरत क्या करेगी। हो जाए मुकाबला, जो जीता पार्क उसका। बोल क्या बोलता है? नहीं मानेगा। पर तुझे पूरा सीन दिखाने से पहले मैं छोटा सा सैंपल दिखाना चाहता हूं। आई प्रॉमिस, ये बस एक छोटा सा सैंपल होगा। भूकंप, भूकंप के बारे में तो सुना ही होगा, ये कुदरत का ही एक हिस्सा होता है। ये मेरा सैंपल था, अब पूरा सीन देखोगे। और ये बवंडर था। एक और खतरनाक चीज है, सुनामी। लहरें ऊपर उठती जाती हैं। चल एक कोशिश करते हैं तुझे ऊपर उठाने की।
भाई कुदरत का कहर देख लिया मैंने, समझ गया तेरी बात, जाने दे मुझे। कुदरत वैसे तो कहर नहीं बरसाती, पर जब बरसाती है तो कोई उसे रोक नहीं पाता। जब तक तबाही का मंजर नहीं दिखाती, रुकने का नाम नहीं लेती। मैं भाई को जाके बता दूंगा कि तुमसे उलझने का नतीजा क्या होता है। मुझसे नहीं दोस्त, कुदरत से उलझने का। आपके ऊपर जो हमला हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? सर इसके पीछे किसका हाथ है? सर क्या आपको लगता है कि ये किसी की साजिश है? सर कुछ तो बताइए। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और कुछ नहीं। दिया तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है दिया। मेरी कल एक सुनंदा है ना, उसी का बेटा है, खुद का बिजनेस है उसका, दिखने में भी अच्छा है। और अच्छी बात तो ये है कि वो भी तुम्हारी तरह नेचर का दीवाना है आनंद। अगर तुम कल फ्री हो तो मैं उन्हें घर बुला लेती हूँ, तुम उनसे मिल लेना। सिर्फ कल ही नहीं, मैं पूरी लाइफ फ्री नहीं हूँ, मैं इसके साथ बहुत बिजी हूँ। बोलो ना, इन्हें बताओ, तुम अगर प्लांट लगाओगे तो मैंने कहा था कि उन्हें पाल पोस के बड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, कहा था कि नहीं? हमने फैसला किया था कि हम समंदर का नजारा देखते हुए अपनी सारी जिंदगी साथ में बिताएंगे। बताओ इन्हें, हमने ये सोचा था कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम प्राकृत रखेंगे और लड़की हुई तो उसका नाम प्रकृति रखेंगे। बताओ इन्हें, बताओ इन्हें कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। जितना प्यार मैं पेड़ों से करता हूं उतना ही प्यार दिया से भी करता हूं। तुमने कहा था कि मैं पेड़ों से भी खास हूं। तुम मेरे लिए सबसे खास हो। हेलो। हेलो सुरेश जी, मैं आनंद के कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूं। बोलिए सर। हाल ही में पार्क के मामले में आनंद ने एमएलए को धमकाया था। हमारे आनंद ने? जी हाँ, इतना ही नहीं उसने एमएलए के आदमियों को मारा भी। हे भगवान। इस झगड़े की वजह से एमएलए को पार्टी से निकाल दिया गया है और अब वो आनंद से बहुत नाराज है। एमएलए की पावर चली गई है और वो ये बात भूलेगा नहीं, वो इस बात का बदला जरूर लेगा। मेरी मानिए तो बेहतर होगा अगर आप आनंद को कहीं दूर भेज दें। क्या हुआ सुरेश, किसका फोन था? वो आनंद के कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन था, उसने कुछ लोगों से मारपीट कर ली है। बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हो, ये समंदर तो तुम रोज देखते हो। हाँ पर ये रोज नया लगता है। तुम्हारी तरह। पिताजी की तबीयत पहले के मुकाबले अब बेहतर है, ही इज ओके ना? तुम्हें वो रिसर्च के लिए बाहर जाना था ना, व्हाई डोंट यू गो नाउ? ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है अंकल। बेटा तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, आज या कल का प्रोग्राम बना लो, टिकट्स बुक करके मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? स्कूटर में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है। दरअसल मुझे सत्यम जी से मिलना है। फिलहाल वो किसी से नहीं मिल रहे। सर बहुत अर्जेंट काम है। मैंने कहा ना वो किसी से नहीं मिलना चाहते, उन्होंने अब वैसे काम करना छोड़ दिया है। जनता गराज अब सिर्फ गाड़ियों की मरम्मत करती है। अब जाइए यहाँ से। सर प्लीज सर,
सिर्फ एक बार उनसे मिलवा दीजिए प्लीज। सुनो, आज से ये रोना धोना पुलिस के सामने करना, जनता के राज के पास आने की जरूरत नहीं। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। सुनो, कौन था? भाई वो आदमी वेस्पा के स्पेयर पार्ट्स के लिए आया था। उसी के लिए आया था भाई, हमारे पास नहीं है तो चला गया। हाँ भाई, वो पार्ट सब आते ही कहाँ है? अली बोलो। हाँ हाँ सत्यम भाई, वो स्पेयर पार्ट्स के लिए आया था पर हमारे पास है ही नहीं। पता नहीं एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने ऐसा तो क्या कह दिया है कि तेरी माँ और गराज वाले मेरी बहुत फिक्र करने लगे हैं। जनता गराज में जो लोग मदद मांगने आते हैं उन्हें मुझसे मिले बगैर ही वापस भेजा जा रहा है। वो लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए वो लोग उतनी ही अहमियत रखते हैं जितना कि उनके लिए मैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर मुझे लगता है कि काम थोड़ा कम कर देना चाहिए मुझे, पर दिल की बात कहूं तो जब जनता गराज से लोग खाली हाथ बिना मदद के लौट जाते हैं तो पता है जिंदा होने के बावजूद लगता है जीते जी मर गया। अब वक्त आ गया है कि तू इस जनता गैराज की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ले। कौन सी जिम्मेदारियां? गाड़ियों की मरम्मत की या लोगों की मरम्मत की? ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या कोई बड़ा बिजनेस सौंप रहे। बात करते हैं। मेरे नजरिए में वो उन सबसे बढ़ के हैं। मेरे लिए नहीं है। गराज की उस सस्ती सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर दिन रात लोगों की बकवास सुनना और गाड़ियों को ठीक करके कमाई गई उस चिल्लर को गिनना, मेरे सपने बड़े हैं। मैं कुछ और करना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ। राघव, राघव, तुम लोग खाओ। सत्यम जी, बदकिस्मती से हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं लेकिन आज पहली बार शुभ काम के लिए मिल रहे हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके परिवार से रिश्ता जुड़ेगा। मैं यहां अपनी बेटी और आपके बेटे की शादी की बात करने आया हूं। ए, क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या दिक्कत है भाई? ये मेरे ससुर हैं, इज्जत से पेश आओ इनके साथ। एक बात मैं काफी दिनों से बताना चाहता था, अब बता देता हूं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हम लोग तो तैयार हैं, आप लोग इजाजत देना चाहें तो दे दीजिए। थैंक्स फॉर कमिंग अंकल। अब हमें बाकी बातों पर चर्चा कर लेनी चाहिए। हम अपने परिवार के साथ बातचीत करके आपको बता देंगे। आपको बता देंगे मतलब? अब आपको किसको पूछना है? विला भी चादर, और वैसे भी आपका फैसला कोई मायने नहीं रखता। राघव, जबान संभाल के। पद्मा, राघव सही तो कह रहा है, ये दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अपनी जिंदगी का फैसला ये दोनों खुद कर सकते हैं। जो अच्छा लगता है करो, मुझे एतराज नहीं। इस परिवार से रिश्ता जोड़ने में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुम नहीं जानते ये जनता गराज वाले कितने पावरफुल हैं, लेकिन अब उनका लड़का हमारा हो गया है। गेट इन। हैदराबाद सिटी के सेंटर में क्वारी वर्क हो रहा है और वो भी नो माइनिंग जोन में। अब तक उनके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया?
और तो और इस काम के लिए उन्होंने दो बस्तियां खाली करवा दी हैं। शॉकिंग। तुम सब एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें तो कुछ करना चाहिए। यू शुड मेक सम नॉइस। हमने कोशिश की थी यार, पर एक्चुअली इसमें कुछ बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व्ड हैं। यहाँ बात एनवायरमेंट की हो रही है और उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। यार कोई और होता ना तो शायद हम लोग लड़ भी लेते, पर इसमें जनता गैराज वाले शामिल हैं। जनता गैराज, ये कौन है? जब भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो उन्हीं के पास जाता है। वो दिल के भले हैं और काफी पहुंचे हुए भी, लेकिन अब सारा काम ओनर का लड़का देख रहा है, इसलिए उसके खिलाफ आवाज उठाने का दम किसी में भी नहीं है। गलत काम करने वाला भला आदमी। क्या हो रहा है सर? राघव, आनंद, एनवायरमेंटल रिसर्च बहुत डैमेज कर दिया। इट्स टू लेट, लेकिन अब रोकना होगा। ये मत करो, वो मत करो, बचपन से यही बकवास सुन सुन के पक और थक दोनों गया हूं मैं। बार बार यही बकवास सुनने को मिलती है, बोर हो गया हूं यार। बट नॉट एनी मोर, ये मेरी जगह है, जो चाहूंगा करूंगा। लेकिन मैं तुमसे बार 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 यही चीज कहूंगा जब तक तुम काम बंद नहीं करते। ये सब तुम्हारा है। यू नो व्हाट, हम सब इस पृथ्वी पर किराएदार हैं। यहां की किसी भी चीज पर हमारा हक नहीं है, बस मुफ्त में यहां रहते हैं। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगली पीढ़ी को यह सही सलामत सौंपें। और अगर ऐसी प्रकृति को तुम हानि पहुंचाओगे तो नहीं चलेगा। तो गलत जगह आ गया, जानता है ना मैं कौन हूं? मैंने सुना तुम वो जनता गैराज वाले के बेटे हो और किसी बिजनेस टाइकून के जमाई हो। इसने खुद कुछ उखाड़ा है क्या? ये लोग काम नहीं रोक रहे हैं, इन्हें रुकने को बोल वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। काम तो नहीं रुकेगा, तू रोक सकता है तो रोक ले। गो, गिव इट अ ट्राई। ये काम को रोकना चाहता है, साले को सीधा ऊपर भेज दे। ओके।
तूने ये गुंडे इसलिए पाले हैं ताकि तेरे काम के बीच आने वालों की कब्र खोद सके। इनकी तो खुद कब्र खोद गई, बेहतर होगा तू भी खिसक ले। दो मिनट का टाइम देता हूं, अपने ट्रक टेम्पो क्रेन साइड से हटाओ और दफा हो जाओ। आउट। यहां पे आनंद कौन है? वो रहा। तुझे हमारे साथ जनता गराज जाना होगा, अभी चल। लेकिन क्यों? सत्यम भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने तुम्हें यहां अपने बेटे की वजह से नहीं बुलाया, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि तुमने उन्हें क्यों पीटा। आपने अपने बेटे से नहीं पूछा? उसने गलती की, जब मैंने टोका तो एक और गलती की, इसीलिए उन लोगों को मारा। मैंने आपके बारे में काफी सुना है, सिर्फ अच्छी बातें, पर आपके बेटे में 1% अच्छाई नहीं है। जनता गराज, यहां हर चीज की मरम्मत होती है, यह तो अच्छी बात है, पर आपके बेटे को भी थोड़ी मरम्मत चाहिए। मुझे आप पर बहुत विश्वास था, इसीलिए आपसे मिलने आया। शायद आप जानते नहीं कि बाहर आपका बेटा क्या कर रहा है, और अगर सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपके और जनता गराज दोनों के स्पेयर पार्ट ठीक कर दूंगा। अब मैं चलूं? आपके बेटे की तरह एक और लड़का है, उसे भी रिपेयरिंग की जरूरत है। यहां से आपकी एक अच्छी छवि लेकर जा रहा हूं, क्योंकि आपने इस पेड़ को संभाल के रखा है। यह सिखाता है कि भले ही आपकी शाखाएं कट जाएं, आपको ऐसे ही मजबूत खड़े रहना चाहिए। आने की कोई खास वजह? बस एक छोटा सा काम था। ठीक है सर, मेरे क्लास का वक्त हो गया, मैं चलता हूं। ओके। आनंद, कुछ मदद मांगने आया हूं। हमसे किसी इंसान की तकलीफ सहन नहीं होती, पर तुम तो एक पेड़ या पौधे तक की जान से ज्यादा परवाह करते हो। तुम्हारा दिल बहुत नेक है। मेरी उम्र तो बीत गई, मुश्किल में पड़े लोग मेरे पास मदद मांगने आते थे, पर आजकल कोई नहीं आता ताकि मुझे परेशानी ना हो। मेरा दिल तो आम लोगों के लिए धड़कता है, इसलिए उनका दर्द मुझे अपना लगता है। और जानते हो, तुम्हारी उम्र में मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था।
मुझे यकीन है कि तुम जनता गैराज की जिम्मेदारी निभाओगे। मैं अपने और तकलीफ में पड़े उन सारे लोगों की तरफ से तुमसे दिल से गुजारिश करता हूं, क्या तुम जनता गैराज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लोगे? इतना बता दूं कि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। जनता गैराज को अब अपने नए मसीहा का इंतजार रहेगा। मेरे बहनोई नमस्ते। नमस्ते। मेरी भांजी और उसके होने वाले पति। हाय हाय। ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। नमस्ते। विनोद मेरे गैराज का अकाउंट्स देखता है। मेरा छोटा भाई और उसकी बीवी, इन दोनों को मेरे एक दुश्मन ने बेरहमी से मरवा दिया था। Nothing personal, bro. Raghu. Meri bahu. Namaste. Hi. Mujhe kahin jana hai. Got to rush. Bye, honey. Bye. जनता गैराज में अपने अपने दर्द लेकर लोगों को आए हुए एक अरसा हो गया है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि जनता गैराज के दरवाजे अब उनके दुख और तकलीफ में बांटने के लिए फिर से खुल गए। अंत से ही शुरुआत करेंगे। वो शख्स कौन था जिसे जनता गैराज से खाली हाथ लौटना पड़ा? मेरा नाम विकास है सर, स्टेट बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिसर हूं। हम नई बनने वाली बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर अप्रूव करते हैं, और अगर लेआउट रूल के हिसाब से ना हो तो हम परमिशन नहीं देते। हाल ही में कुछ लोग हॉस्पिटल की परमिशन लेने हमारे ऑफिस आए थे, पर सर उन्होंने सेफ्टी मेजर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मैंने मना कर दिया, उन्होंने जबरदस्ती की। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा पर साइन हरगिज नहीं करूंगा। फिर मेरे ऑफिस के कलीग से उन्होंने मेरे घर का एड्रेस निकलवाया और उन्होंने मेरी पत्नी को धमकी दी। मैंने आज तक आपके काम में कोई दखल नहीं दिया, ना ही आपसे कभी कुछ पूछा, पर आपके ऑफिस में आजकल जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे घर में भी तनाव का माहौल है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी पत्नी बच्चों की दुहाई देकर मुझसे कहती है कि मैं पेपर्स पर साइन कर दूं, पर नहीं, मुझसे ये गलत काम नहीं होगा सर। वो लोग कहते हैं कि अगर मैंने पेपर साइन नहीं किए तो वो मेरी फैमिली को एक एक करके मार डालेंगे। कल फाइल साइन करने का लास्ट डे है और तुम हमसे आज मिल रहे हो। अगर हम तुमसे आज के बजाय कल मिलते तो क्या होता? तब भी मैं साइन नहीं करता सर, बल्कि मैंने तो यहां तक सोच लिया था कि ऑफिस जाते वक्त मैं सुसाइड कर लूंगा।
अब ये तुम्हारे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये जनता गराज की लड़ाई है। कल का दिन हमारा होगा। अभी ऑफिस ही जा रहे हैं, जाके तुरंत साइन कर देंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ। ये साइन नहीं करना चाहते और करेंगे भी नहीं, यहां तक कि इन्होंने सुसाइड की प्लानिंग भी कर ली है। इनकी तरह बनना बहुत मुश्किल है, ये लाखों नहीं करोड़ों में एक है। मैंने यहां आपके बगीचे में एक पौधा देखा, बहुत खूबसूरत था, आपने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा है। ये उस पौधे की तरह निर्मल और सच्चे हैं, इनकी ताकत बनी है कमजोरी नहीं। ये हमारे जनता गराज का फोन नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक फोन। और ये मत सोचिए कि हम शहर से दूर हैं, हम सब आपके बहुत करीब हैं। आपके और खतरे के बीच की दीवार हैं हम। चले विकास। अरे वाह वाह, देखो हमारा ऑफिस का सुपरस्टार आ गया। देखा क्या रमेश, आज तो ऑफिस में बैठ के लाइव सुपरहिट मूवी देखने को मिलेगी, एकदम धमाल। उस मूवी का नाम होगा देगा विकास ऑटोग्राफ, वरना बेचारा खल्लास। मुकेश राणा के हॉस्पिटल की फाइल लाया, सारे डॉक्यूमेंट्स है, पूरे 23 साइन चाहिए। चल साइन कर। इतने सारे साइंस का, इतनी सारी फाइल्स का, आखिर तुम करते क्या हो? ये प्रोजेक्ट पास करने के लिए मुकेश भाई का नाम ही काफी है। प्रोजेक्ट रूल्स के मुताबिक नहीं है, इसलिए मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। क्यों बे, नशा करके आया क्या? मैं तो नहीं आया, पर मुझे लगता है जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसने नशे में बनाया होगा। मुकेश भाई से पंगा, तुझे अपने परिवार की फिक्र नहीं है क्या? मैं इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहा हूं। बहुत चर्बी है तुझमें, तुझे यहीं तेरे ऑफिस में जिंदा गाड़ने के लिए मेरे आदमी बाहर खड़े हुए हैं, समझा? तू सीधे तरीके से साइन करता है या फिर मैं उन्हें अंदर बुलाऊं? वो आएंगे दो पैरों पर जाएंगे चार कंधों पर। लेकिन बस दो मिनट रुक जा, मुझे जरा इन लोगों से बात करनी है, तब तक तू उन्हें बुला ले। इस गवर्नमेंट ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं वो अपने घर वालों से ज्यादा वक्त इस ऑफिस में एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ये भी तो एक परिवार की तरह ही है ना, और अगर परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी प्रॉब्लम हो तो सारा परिवार साथ खड़ा होता है। अगर मुसीबत के वक्त परिवार वाले एक दूसरे का साथ छोड़ दें, तो वो परिवार नहीं होता। सचिन फैन, मुझे याद है जब टीम कमजोर पड़ती थी तो सचिन के कंधों पर पूरा भार आ जाता था। आपका ऑफिस भी कुछ टीम इंडिया की तरह ही है, लोगों ने जैसे ठान रखी है कि यहां कोई तरीके से काम नहीं करने वाला है। बट डोंट वरी, आपके बीच भी एक सचिन है, इसे बस थोड़ा सा सपोर्ट दो और अपने उसूलों पर काम करने दो, ये भी आपकी टीम को जिताएगा। आपकी उम्र देखकर लगता है आप जल्दी रिटायर होने वाले हैं, मतलब बच्चों के लिए अच्छा खासा पैसा कमा कर रखा होगा आपने। अगर बच्चे काबिल हो ना तो
बाप की कमाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और अगर नालायक हो तो जितना भी कमाओ कम पड़ता है। यह हराम की कमाई का कोई मोल नहीं है। जब आप सुबह अपने आप को आईने में देखते हो तो क्या खुद से आंखें मिला पाते हो? ऐसी कमाई का क्या फायदा जो सुकून की नींद भी ना दे पाए? सर्विस कैसे करते हैं वो विकास से सीखिए सर। सरकारी ऑफिस में अगर इस तरह के लोग हो तो इंडिया सिर्फ तरक्की नहीं टॉप पर पहुंच जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब ऐसे लोग हमें डराने धमकाने आए तो हम भला किसके पास जाएं? उनके लिए जनता का राज है। ताकतवर लोगों को कमजोरों को डराने का बहुत शौक होता है, बट फॉर अ चेंज कमजोरों के पीछे ताकतवर लोग खड़े हैं। जनता करा, मैं आनंद, मुझे यहां बुलाने की वजह थैंक्स। सुनने में आया था कि पिछले कुछ महीनों से जनता गैराज में सब ठीक चल रहा था, गाड़ियों की रिपेयर के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा था। गुड, ये तो सबके लिए अच्छा ही था। सबके मतलब किसके लिए? पर अब जनता गैराज फिर से लोगों का मसीहा बन गई है, गाड़ियों के अलावा लोगों की मरम्मत भी हो रही है, मतलब खूनी खेल फिर से शुरू हो गया है। तुम्हारे और जनता गैराज के बीच क्या रिश्ता है बताओ? आपका और पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रिश्ता है? ये मेरा काम है और ये मेरा फर्ज है, और मुझे इस काम से बहुत प्यार है। ओ अच्छा, न्याय और अन्याय के बीच ऑन द स्पॉट फैसला कर देना ये तुम्हारा काम है, और बिना सोचे समझे बिना कोर्ट कचहरी गए लोगों को अपने हिसाब से सजा सुना देना ये तुम्हारा काम है? बात यह नहीं है कि हम क्या करते हैं, बात यह है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? तुम यंग हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, ये सब करते हुए तुम अपने आप से सवाल नहीं करते हो? ये बेवकूफी करके अपने आप को बहुत बड़ा हीरो और स्मार्ट समझते हो ना तुम? कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत और हक किसने दिया तुम्हें? आई कैन अंडरस्टैंड सर। एक काम करते हैं, लोगों से कहिए जनता गैराज के पास मत जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लोगों को मेरी तरफ से अपनी तरफ ले आइए,
ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, लेकिन अगर जनता का राज के सामने खड़े होकर लोगों ने कहा हम तकलीफ में हैं तो फिर हम मदद करेंगे। आई होप दोबारा हमारी मुलाकात ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट सर। वेरी बैलेंस्ड बट मोर डेंजरस। इस लड़के का फैमिली बैकग्राउंड पता करो, इससे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ओके सर। इतने सालों बाद मिल रहा हूं इसलिए एकदम से पहचान नहीं पाया। ये मेरी वाइफ है। नमस्ते बेटी। नमस्ते। नमस्ते। आइए अंदर आइए। मेरी पत्नी पद्मा। नमस्ते जी। नमस्ते। वो ठीक तो है ना? उसी से पूछ लीजिए। सालों पहले आपने कसम ली थी कि इस घर की परछाई तक उसे छू नहीं पाएगी, पर फिर भी वो लौट के यहां वापस आ गया है और आपके नक्शे कदम पर चल रहा है। वही कर रहा है जिस बात का इन्हें डर था। मैं सच कहता हूं, अगर विश्वास नहीं तो जनता के राज की कसम खाकर कहता हूं, इतने सालों में मैं इससे कभी नहीं मिला। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यह हमारा बेटा है। मुझे तो पता तक नहीं था कि यह मेरे छोटे भाई का बेटा है। तुम्हीं तो इसे पालपोस के बड़ा किया, हमने तो इसे बचपन से देखा भी नहीं। तुम अगर इसे ले जाना चाहते हो तो कोई भी बीच में नहीं आएगा। ले जाओ इसे यहां से। रिटर्न फ्लाइट 5 बजे की है आनंद, तुम्हारी भी। हो सकता है ट्रैफिक मिले, बेहतर होगा अभी निकल जाए। ये मेरे पापा का परिवार है। तुम्हारे पापा का परिवार, तुम्हारा नहीं। चलो हमें देर हो रही, निकलना। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि जिंदगी में कभी मम्मी पापा की कमी महसूस ही नहीं हुई। मगर दुनिया में मुझे प्यार देने वाले कुछ और लोग भी थे। इन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? स्टॉप इट आनंद, जस्ट स्टॉप इट। हमने तुम्हारी और दिया की सगाई ऑलरेडी तय कर दी है। तुम्हारे लिए एक बेहतर जिंदगी है वहां। प्लीज अपना सामान पैक करो और चलो। शादी के बाद ये यहां खुश रहेगी, वहां रहेगी तो मुरझा जाएगी। लेकिन तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। मैंने अपनी बहन को यहां भेजा और उसे खो दिया, चली गई। मैं अपनी बेटी को इस घर में भेज के उसे हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता। उसे विधवा के रूप में नहीं देखना चाहता। प्लीज हमारे साथ चलो। दिया मेरी धड़कन है और ये परिवार मेरा दिल। नहीं आना, तुम्हें दिया चाहिए या जनता कह रहा है? तुम्हें जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना होगा। भगवान इंसान को सारे सुख एक साथ नहीं देता। दिया या जनता कह रहा है? जस्ट वन स्ट्रेट आंसर।
मुझे तो अपने माँ बाप का चेहरा भी याद नहीं था। मेरे लिए तुम्हारे पापा ही सब कुछ है। इन्होंने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी, नई जिंदगी दी। दिस मैन इज एवरीथिंग टू मी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे इनके दिल को ठेस पहुंचे। आज ये मुझे चुनने को कह रहे हैं। तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा मैं? लेकिन इस परिवार को भुलाकर भी जी नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इनकी खुशी के लिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए भुला तो दिया। मैं बस इन्हें खुश देखना चाहता हूं, फिर चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। प्लीज मान जाओ दिया, यू विल गेट द बेस्ट। बेस्ट को तो मैं आज छोड़ के जा रही हूं। मैं बचपन से ही तुम्हारी हर बात की दीवानी रही हूं, एवरीथिंग। आज जो हुआ उसकी भी, पर तुम्हारा ये फैसला मुझे मुझे जिंदगी भर बहुत दुख देगा, पर तुम खुश रहना। ऑल द बेस्ट। अपने बेटे से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर देना मां। आई मिस यू। तुम पागल हो गए हो? इतनी अच्छी जिंदगी अपना प्यार गंवाने के बाद तुम यहां करोगे क्या? क्या है यहां? अंकल आपके फ्लाइट का टाइम हो। इट वॉज अमेजिंग। अरे तुम उसकी बात पर यकीन मत करना। अच्छा, मैं ठीक हूँ। इज इट ट्रू? बताती हूँ, पर पहले मुझे किस करो। किस मी? छेड़ो मत। पटाखा लग रही हो तुम आज। थैंक यू। सो स्वीट यार। किस करो? अरे अंदर अंदर जाके। स्टॉप इट, स्टॉप इट बाबा। Thanks a lot, Daddy ji. I know I got this deal because of you. मैं और रिया आज डिनर के लिए आ रहे हैं। Yeah, see you. कल रात को जब तुम घर आए थे, I mean, तुम्हारे पापा सब कुछ देख रहे थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। इस तरह नशे में घर आना हमारी संस्कृति नहीं है। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। ये बात रिया को भी बता देना। तेरा प्रॉब्लम क्या है बे? हाँ, मेरा घर है, मेरी मर्जी। क्या हुआ रघु? कुछ नहीं, बस बस कर। हमारा पार्टीज में जाना इसे खटकता है। इसे लगता है कि हम नॉर्मल नहीं है। हम नॉर्मल नहीं है? What do you mean, huh? हम इंसान नहीं है? I didn't mean that. Then what did you mean, huh? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बड़ों के सामने तमीज से पेश आया करो। तो तुम्हारा मतलब है लेट नाइट पार्टीज करना बदतमीजी होती है? घर में बहू का शराब पी के आना शोभा नहीं देता। ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर किसी को लगता है कि थप्पड़ की आवाज से सामने वाले को दबा सकता है, then I can make more noise. No more parties! सुनिए
आप उन दोनों को रोकते क्यों नहीं? पिछले कई दिनों से वो घर छोड़ने की कोशिश में था। आनंद, कोई तुमसे मिलने आया है। हाय। हाय। गैराज भी बिल्कुल हरा भरा कर दिया है। नाइस। तुम यहाँ कैसे? स्कूटर में कोई प्रॉब्लम है? कुछ और प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि जनता गैराज वाला हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मेरी भी एक प्रॉब्लम है। वो तभी सॉल्व होगी जब तुम मेरे साथ चलोगी। बोलो चलोगे? शो। एक घंटे बाद रिव्यू मीटिंग है सर। मुझे लगा मैं ही ड्यूटी के लिए पागल हूँ, तुम भी मेरी तरह ही हो। हमारा काम ही ऐसा है। आप ही। वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था सर, इसलिए मेरा यहाँ ट्रांसफर कर दिया। हाँ, ये तो होता ही रहता है। चलो बेटा। मुझे लगा नैना कॉफी लेकर आएगी। उसे बुलाइए ना सर। हाँ, बुलाओ उसे। वो कहीं बाहर गई है, मैंने उसे फोन किया है, आती होगी। हमारे आने का उसको पता तो था ना, फिर भी वो इस वक्त बाहर चली गई। I'm sorry, दिनेश, आप आज आने वाले हैं, ये मुझे मेरी मॉम ने थोड़ी देर पहले ही फ़ोन करके बताया, तो मैंने सोचा कि मैं उस लड़के को ले आऊँ जिससे मैं सचमुच में प्यार करती हूँ। हम दोनों ही प्यार करते हैं। इसका नाम है आनंद। हम दोनों 2 साल से साथ हैं। ये सब कब हुआ? इससे कब मिले तुम? मुंबई में, हैदराबाद में। व्हाट? हैदराबाद में कहाँ मिले थे? मुंबई में मिले थे ना? भूल गए क्या? लेकिन इसकी तो पहले से ये गर्लफ्रेंड रह चुकी है। सच में? आपको कैसे पता? एक्चुअली वो हम उसके बाद मिले थे। और इतनी जल्दी प्यार हो गया? मुझे डाउट है सर। मैं इसके बिना नहीं जी सकती। और मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। सच में सर? एक्चुअली बात यह है कि अगर तुम्हारी इससे शादी हो गई तो तुम कंफ्यूजन में रात को सो ही नहीं पाओगे, तो इसलिए बेटर होगा कि तुम इसे भूल जाओ। मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। क्यों ना लड़के के घर जाकर चटमंगली पट ब्याह कर दे? नहीं, अभी तो फिर शुरू हुआ है मम्मी। बेहतर होगा अगर हम एक दूसरे के साथ कुछ दिन रहे ताकि एक दूसरे को जान ले। फिर तो मैं परफेक्ट हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। इसका पहले से बॉयफ्रेंड है। अरे तू इस सेकंड हैंड माल को भूल जा, मार्केट में और भी है। आप चलिए जी। सर, नैना को मना लेंगे माँ। मुझे तुमसे बात करनी है। गैराज का काम छोड़ के आया हूँ, बात करने कभी और आऊंगा। पहले बता दिया होता, थोड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता मैं। तुम चाहो तो ये मजाक असलियत भी बन सकता है। उस 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए मैंने 2 गांव खाली कराए थे, लेकिन साले ने वहां भी टांग अड़ा दी। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। डोंट वरी माय बॉय, वो बच्चा है, उसे मैं संभाल लूंगा। वक्त भागता नहीं मानो उड़ता है। 25 साल हो गए, सेम प्लेस, कुछ भी नहीं बदला और ना ही लोग बदले हैं। यहां रहने वाले बड़े बुजुर्गों के दिमाग में मेरी कहीं एक भी बात नहीं घुसने वाली है, वो वही रट लगाते रहते हैं। बट यू आर अ मैन ऑफ दिस जनरेशन, तुम्हारे भी बड़े सपने होंगे, टू लिव लाइफ किंग साइज। जो चाहिए बोलो, बड़ी से बड़ी चीज मैनेज कर लूंगा। मुझे बस एक छोटी सी चीज चाहिए, गलत काम करना छोड़ दे। सेम ओल्ड सॉन्ग।
आई एम अ बिजनेसमैन, मेरे भी तो कुछ मकसद होते हैं, मैं भी कुछ हासिल करना चाहता हूँ जिसके लिए आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। इससे कभी कभी कुछ लोगों को तकलीफ होती है, बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। मैंने सुना है कि तुम एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूं। जंगल में एक शेर छोटे जानवरों को खाता है ताकि उसका वजूद और वर्चस्व बना रहे, दैट्स नेचर, हम ये बदल नहीं सकते। मैं उस शेर की तरह हूं और मुझे जिंदा रहना है तो मुझे छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना पड़ेगा। राइट, शेर जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे जानवरों को खाता है, दैट्स नेचर। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कहानी में शेर मैं हूं और शिकार हूं। अब से जो भी करना सोच समझ के करना। वैसे गैराज के रूल्स बदल गए हैं, पहले प्रॉब्लम होती थी तो लोगों की बात सुनते थे फिर फैसला करते थे क्या करना है, अब वैसा नहीं है, अब सीधा एक्शन लेते हैं, रिएक्शन की परवाह नहीं करते। हैव अ नाइस डे। ओह एंड वन मोर थिंग, कुछ वक्त पहले मेरे बड़े पापा का एक्सीडेंट हुआ था, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी का कोई माँ बाप नहीं है। मुझे उन सब लोगों पर शक है जिनसे बड़े पापा की एक्सीडेंट से पहले बहस हुई थी, तुम भी उनमें शामिल हो। बस दुआ करो मेरा शक यकीन में ना बदल जाए राणा। हाँ थैंक यू सर। ये मुकेश जी, उस जनता गैराज को निपटाने के लिए मैंने आपकी पार्टी को इतने फंड दिए फिर भी आपने उनके खिलाफ एक कदम नहीं उठाया। पहले जो मुसीबत थी अब सरदर्द बन गया है। वहाँ एक नया लड़का जो आ गया है हमारे बिजनेस को ठप करने में लगा है, बिजनेस में दखल देता है, प्रोजेक्ट्स को बीच में ही रोक देता है, हम भला काम करें तो कैसे करें। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो सत्यम से भी ज्यादा डेंजरस है, आप उनसे ना उलझें, इसी में आपकी भलाई है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, बिजनेस में छोटा मोटा घाटा हो जाए तो चलता है पर अगर जान चली जाए तो। हर कोई राणा साहब का साथ चाहता है, इस स्टेट में ना तो कोई और बिजनेसमैन ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी इनसे पंगा ले सकती है, और आज एक गैराज की वजह से आपकी नींद उड़ गई है। कितनी भी कोशिश करूं ये बात हजम नहीं हो रही राणा साहब। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि आपको मेरी फैमिली की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। You gave me a great life. मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। जनता गैराज को उखाड़ फेंके क्या? यह नामुमकिन है राघव, मैं सालों से ये कोशिश कर रहा हूं, इतना इजी नहीं होगा। करेक्ट है, आपके लिए इजी नहीं है पर गवर्नमेंट के लिए बाएं हाथ का खेल है। पॉलिटिशियंस होके भी टेढ़ी उंगली से घी ना निकाल पाए तो क्या फायदा। ऐसा सीएम किस काम का जो आपके काम के लिए एक झटके में सीधा मना कर दे। वेस्ट, 6 महीने में इलेक्शंस आ रहे हैं, अगर आप उसे एक्स सीएम और मुझे सीएम बना दें तो शपथ लेने के तुरंत बाद ही 1 घंटे में उस गैराज, गैराज के लोगों और सारे कचरे को उठा के समुन्दर में फेंक दूंगा। और ये कोई फेवर नहीं है। अरे भाई आप है ही इतने खास आदमी। कुछ बड़ा होना चाहिए, गवर्नमेंट लड़खड़ा के गिरनी चाहिए, कोई ऐसी घटना होनी चाहिए जिससे स्टेट हिल जाए। कुछ बड़ा और जल्दी ही करना है तो शहर में सीरियल ब्लास्ट क्यों नहीं करवाते? बहुत से लोगों की जान जाएगी। There will be a lot of chaos. Perfect. इस घटना के बाद गवर्नमेंट हिल जाएगी। एक मिनट रुको। स्कूटर रिपेयर।
ठीक हो ना? ए छोटू, एक मिनट, मैं बाइक चेक कर लूं। उसकी शादी हो चुकी है, एक बेटा भी है, और उसके हस्बैंड की अभी हाल ही में डेथ हुई है। वो सब तो ठीक है, पर वो जिससे प्यार करती है उसके साथ रहेगी तो मुझे लगता है खुश रहेगी। पर सब लोग क्या कहेंगे? समाज इसे गलत समझेगा तो? समाज के लिए आप अपनी बहन की खुशियां क्यों कुर्बान करेंगे? आप बस उसकी खुशियों के बारे में सोचिए। ये बहुत अच्छे इंसान है, मुझे और हमारे परिवार को हमेशा खुश रखेंगे। अब आप जल्द से जल्द शगुन लेके हमारे घर आ जाइए। कम से कम आप तो बहुत शादी के लिए तैयार हुआ, अच्छा है वरना कुंवारा मरता। भाई नमस्ते। नमस्ते बॉस भाई, सुना है शादी पक्की होगी? हाँ। शादी मुबारक बॉस भाई। मुबारक मुबारक। नमस्ते आनंद भाई। हाँ नमस्ते। बॉस सुना है कि तुम शादी कर रहे हो? हाँ। अरे तो टेबल इतना खाली क्यों है? गोश्त वोश्त मंगाओ, पार्टी शादी करो। हैदराबाद में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में 64 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। पूरे शहर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और बॉम्ब स्क्वाड शहर की तलाशी ले रहे हैं। पुलिस के अनुसार ये आतंकवादी हमला भी हो सकता है। सारे बेगुनाहों ने, भाइयों बहनों और बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। क्या हमारे लोगों की मौत सरकार को दिखाई नहीं देती? और कितनी कुर्बानियाँ चाहिए? अब क्या सीएम साहब कुछ करेंगे या अपनी कुर्सी गर्म करेंगे? पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद हम स्कूल जाएंगे, ओके? लाओ तुम्हारी टाई ठीक कर दो। बोस मैं हूँ ना इसका ख्याल रखने के लिए, मैं आदि को स्कूल भेज दूंगी। तुम जाकर अपने गैराज का काम संभालो, फिक्र मत करो। क्या हुआ? मैं ठीक हूं, ये है ना मेरे लिए, संभाल लूंगा। सतपाल जल्दी आ, कस्टमर आने वाले होंगे। इन दोनों फुटेज में है सर। ऑफिसर्स सर, एनी क्लूज? नो सर। सर पता लगाओ ये लोग कौन है। ओके सर। चुक चुक गाड़ी अच्छी है ना? हाँ खेलो खेलो। गाड़ी कैसी लगी? अच्छी लगी ना गाड़ी आदि को? संभाल के। जरा बाहर आएंगे प्लीज। इनकी बॉडी हमें रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई मिली। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ये सुसाइड लगता है। नो सर, ये सोचना सरासर गलत होगा कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। ये बिल्कुल अलग तरह से प्लान किया गया है। इसमें इस्तेमाल हुए वेपन्स कंप्लीटली डिफरेंट एंड स्ट्रेंज है सर, वेरी मच लोकल सर। मैंने शहर में आए हुए लोगों पर नजर रखी हुई है, मुझे ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है सर। What do you mean? इस अटैक की प्लानिंग यही हुई थी सर, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मुझे शक है कि इस तरह के और भी ब्लास्ट हो सकते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन की सख्त जरूरत है। हमें यह होने से रोकना होगा। कोई भी जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचना कहां की समझदारी है ऑफिसर? लेकिन सर स्टॉप इट। इस तरह के सेंसिटिव केसेस में बिना सोचे समझे कुछ भी करना बेवकूफी होगी। अब क्या ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा?
बिना किसी एविडेंस के अगर हमने कुछ भी कह दिया तो तुम जानते हो पब्लिक पैनिक हो जाएगी। सर प्लीज ट्रस्ट मी चंद्रशेखर, इस तरह के हालात में अपनी पर्सनल राय थोपना डिपार्टमेंट की इमेज को खराब कर सकता है, यहाँ तक कि सरकार भी मुश्किल में पड़ सकती है। बात को यहीं खत्म कर दो। दिस इज एन ऑर्डर। यकीन नहीं होता कि वो सब हमारे बीच नहीं रहा। समझ में नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया। पिछले 25 सालों से मैं जनता गराज के खिलाफ था। आई वॉज रॉन्ग। IPS बनने के बाद सोचा कि लोगों की सेवा करने का सबसे अच्छा जरिया पुलिस की नौकरी है। लोगों के दर्द को खुशी में बदलने के लिए एक नेक दिल ही काफी है। मुझे हमेशा इस बात का डर था कि तुम यहां रहे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, पर मैं ये कभी नहीं देख पाया कि ये गराज गराज नहीं, लोगों के दुख दूर करने वाला मंदिर है। हाल ही में हुए ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, पर इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर मैंने एक्शन लिया तो शायद मेरी जान भी जा सकती है, पर मुझे इस बात का डर नहीं है। डर इस बात का है कि और कितने लोगों की जान गंवाएंगे हम। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं मेरा दिल दहल जाता है। जनता गराज में ना जाने कितने लोग मदद मांगने आते हैं। पुलिस आज बेबस होकर जनता गराज के पास मदद मांगने आई है। अगर कभी जनता गराज बेबस होके आपके पास आए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर आपका यहां आने का मतलब इंसानियत और भलाई हार गई। आज हम आपके साथ हैं। आपके पुलिस डिपार्टमेंट को यह जनता गराज सहारा देगा। कानून और जनता गराज ने हाथ मिला लिया है, अब तो उन्हें मौत भी नहीं बचा सकती। शहर के हर क्रिमिनल पर हमारी नजर बनी हुई है। ये लोग देख रहे हो, हम इन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे। अब तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये कहां से आए और कहां हैं। स्टॉप, जूम इन और जूम करो, और करो, और नहीं हो सकता सर। कम ऑन ट्राई। ये ले। चल अपनी चाल चल। में शामिल सारे लोग मारे गए। सबको जनता गराज वालों ने मार डाला। हमारे बारे में अभी तक किसी को नहीं पता, पर बॉस हमें बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। जनता गराज ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाले सारे गुंडों को मार डाला। अभी हमारे बारे में पता नहीं चला है, पर मुझे डर है कि बहुत जल्द हमारे बारे में भी पता चल जाएगा। बेहतर होगा अगर हम यहां से कहीं चले जाएं। बोस ने आत्महत्या नहीं की, उसका खून हुआ है। किसने किया? राघव। कौन राघव? हमारा राघव।
तुम्हारा अपना। बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान करने वाले हर इंसान को उसके किए की सजा देकर आ रहा हूं। वापस आते हुए मुझे बोस की जीप दिखी। मुझे जीप में बोस का फोन मिला और जब मैंने उसका फोन चेक किया तो उसका आखिरी कॉल किसी अननोन नंबर से था। वो नंबर एक लॉरी ड्राइवर का था। मैंने उससे फोन पे बात की और उससे मिलने चला गया। 6688 का लॉरी ड्राइवर कौन है? वो वहां पे है। क्या हुआ था उस दिन? भाई मैं उस दिन नागपुर से गाड़ी लेके वापस आ रहा था तो रास्ते में रुक के गाड़ी साफ कर रहा था, तभी मैंने वहाँ सत्यम भाई के बेटे को देखा। मुझे थोड़ा शक हुआ तो मैंने उनका पीछा किया। हेलो बॉस भाई, मैं 6688 ट्रक का ड्राइवर बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मुझे आपसे अभी के अभी मिलना है। आप कहाँ हो? गैरेज में हूँ। क्यों? मैं नागपुर रोड पर खड़ा हूँ। मैं गाड़ी रोककर उसे साफ कर रहा था तो मैंने देखा एक काली गाड़ी से राघव भाई उतरे। वो परेशान लग रहे थे तो मैंने उनका पीछा किया। ये बात किसी को मत बताना। तू कहाँ है इस वक्त? अगला ब्लास्ट पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 10 दिन बाद हम यह धमाका करेंगे। ए, कौन है तू? अंदर कैसे आया? हैं? तुमसे पूछ रहा हूँ। ए, छोड़ो उसे। ये क्या है? राघव, तू क्या कर रहा है? गलत है ये। चल घर चल, चल। तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? मेरे साथ घर चल। सत्यम भाई को कुछ नहीं पता, मैं उन्हें बताऊंगा भी नहीं। अब चल ना राघव, चल यहाँ से। उन्हें पता चल गया तो क्या, तुम सबको मार डालूंगा। तू क्या बात कर रहा है? होश में तो है? तू चल यहां से, चल ना। राघव, ये तो सही नहीं कर रहा है। तू चल यहां से। एक मर गया या जिंदा है, जो भी हो रेलवे ट्रैक पर फेंक दो इसे। क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। जनता गराज से बड़ा कोई नहीं। जो गलत काम करेगा उसे उसके किए की सजा मिलेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो मेरा बेटा है, तुम उसे मार डालोगे? सुना आपने? एक बार उसे बुलाकर समझाने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो उसे थप्पड़ मारना, वो हमारा बेटा है। हम उसे समझाएंगे तो वो मान जाएगा। कितनी बार समझाया उसे, पर उसने मेरे खिलाफ जाने की ठान रखी थी। अरे जिसने बचपन में उसे अपने सीने से लगाया उसने उसे मार दिया। अब वो तुम्हारी या मेरी हरगिज़ नहीं सुनेगा।
मेरा बेटा है और तुम चाहते हो कि मैं उसे खो दूं। खोने गंवाने की बात तुम आनंद से ना करो तो बेहतर होगा। इसने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया, जिसने इसे बेटे की तरह पाला उसे जीते जी खो दिया, अपने प्यार को सिर्फ हमारी खातिर खो दिया। अब इसके पास खोने के लिए कुछ भी बचा नहीं है पद्मा। वो हमारा बेटा है। मैं भी आपका बेटा हूँ, आपको माँ मानता हूँ और हमेशा मानूंगा। वो हमारी गोद में पड़ा हुआ है, हम सब उसे समझेंगे तो शायद वो समझ जाएगा। बहुत देर हो गई है, सोचने समझने का वक्त गया, अब फैसला होगा। जोश में आकर कोई फैसला मत लो, वो तुम्हारा इकलौता बेटा है सत्यम, और तुम उसे ही मारने की सोच रहे हो। एक करके किसी पेड़ की सारी शाखाएं भी क्यों न कट जाएं, वो फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है। हम सिर्फ 3 लोगों को मारने आए हैं, अगर गिनती बढ़ाने का शौक है तो आ जाओ। थोक दो, आराम से बैठ के बात करते हैं।
अब हम सब एक फैमिली हैं। जो भी प्रॉब्लम है बात कर लेते हैं आनंद। जो लोग मर गए वो तुम्हारे सगे तो थे नहीं, और वैसे भी एक मैकेनिक के मरने पर क्या बवाल खड़ा करना। प्लीज आनंद, मैं तेरा भाई हूं ना, मुझे छोड़ देना। मैं तो आपके बेटे जैसा हूं शंकर चाचा, मैं आपकी गोद में खेला हूं। मैं अली चाचा, आप तो कुछ बोलिए। पापा, पापा इनसे कहो ना मुझे जाने दे, मैं आपका इकलौता बेटा हूं। पापा, माफ कर दो पापा, प्लीज पापा, मैं आपका बेटा हूं। पापा प्लीज मुझे छोड़ दो पापा, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो ना। जनता गैराज की नजरों में हर गुनहगार की सजा सिर्फ मौत है। आनंद बेटा, त्योहार के दिन कहाँ जा रहा है? किसी के परिवार में रोशनी के दिए जलाने जा रहा हूँ मां। पटाखों की अब से कोई जरूरत नहीं है, दीपावली तो दियों का त्योहार होता है ना।